बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब, मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। We will continue the topic sets number 14, Oxford University Mathematics D2, exercise 14B, question number 1 of the basic level. And what is the question? Look at this. If E is equal to 1, 2, 3 to 20, यानी E mean universal set, ठीक है? आपके पास एक universal set है और universal set में जो elements हैं वो 1 से लेकर 20 तक हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on to 20, continuously 20 तक आपके पास, यानी first 20 integers आपके पास हैं positive integers. Set A is a multiple of 2. Set 2 जो है वो 2 के multiples हैं, means 2, 4, 6, 8, 10 और ये हम कहाँ तक जाएंगे? 20 तक जाएंगे, ठीक है? 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Same here, set B, the multiples of 4. वो भी हम 20 तक जाएंगे कि 20 तक कौन कौन से multiples of 4 है? 4, 8, 12, 16 and 20. Same is the case with the C. C, the multiples of 3. 3 के multiples 3, 6, 9, 12, 15 and 18. ठीक है, नेक्स्ट 21 है और वो ग्रेटर हो जाएगा तो हम सिंपल 18 तक ही करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड या व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, जो कि हम मैंने बता दिया। बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, सी के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है? नाउ इन पार्ट नंबर डी, ए कॉम्प्लीमेंट। आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? दैट यू हैव टू माइनस द सेट ए विद यूनिवर्सल सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, कि आपने सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना है, ठीक है? सेट ए आपके पास क्या है? मल्टीपल्स ऑफ टू है और यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? 20 तक के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है? इसको अगर हम इस तरह से सॉल्व करें, लेट्स सी। देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी हम हमेशा ई यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करवाते हैं, ई माइनस ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब है कि ई माइनस बी। अगर सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो ई माइनस सी। हम हमेशा ई में से यूनिवर्सल सेट क्योंकि लार्जेस्ट सेट है। आपको क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है ना कि 1 से लेकर 20 तक 20 नंबर्स हैं यूनिवर्सल सेट में, बाकी सब में मल्टीपल्स हैं। वो किसी में 7 एलिमेंट्स है, किसी में 8 एलिमेंट्स, राइट? अब हम इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है? अब इसमें लिखने का तरीका ये है कि आपके पास आप ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आप इधर लिख दें ई सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन आपके पास लिखेंगे टिल 20 तक है, ठीक है? माइनस, माइनस क्या है? ए सेट है। माइनस क्या है? ए सेट। और ए सेट क्या था? मल्टीपल्स ऑफ टू। हम क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 एंड 20, ठीक है? ये आपके पास हो गए। अब देखिए, आपने ये जो आपको नजर आ रहा है ए सेट, ए सेट में से जो ए सेट है उसमें से सारे ई सेट है, सॉरी ई,
पहले वाले सेट में जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो आपने सारे के सारे क्या कर देने, कट कर देने, सारे के सारे क्या कर देने, माइनस कर देने. ठीक है, आप कैसे करेंगे माइनस, अब इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा. तो हम डिफरेंट कलर से माइनस कर देते हैं. ठीक है, अब देखिए ए वन, आप देखो इसमें टू था, आपने इसमें से टू माइनस कर दिया. फोर था, आपने फोर माइनस कर दिया. सिक्स माइनस कर दिया, एट माइनस कर दिया, टेन माइनस कर दिया. फिर आगे 12 होगा, 12 भी माइनस कर देंगे, 16 भी, 18 भी, और फिर 20 भी माइनस कर देंगे. अब इस सेट में ये जो रह गया फर्स्ट वाला सेट है ई वाला, उसमें जो एलिमेंट्स रह गए हैं ना वो आपके क्या होंगे, आंसर हो जाएगा. यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं देखें, उसमें रह गया 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद रह जाएगा 11, 13. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लिखते हैं. अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या रह गया है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. तो ये एलिमेंट्स जो है वो उसमें रह गए हैं ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, चेक कर लेते हैं, हम पीछे जाके देखते हैं. देखें 1 रह गया था, 3, 5, 7, 9, और ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा था. अल्टीमेटली हम उसमें से यानी मल्टीपल से जब हम माइनस कर देंगे, देखें हमने ये 12 को भी, 10 को भी माइनस कर दिया, 12 को भी, 16 को भी, 18 को भी, 20 को भी. ठीक है, ये वाले सारे एलिमेंट्स हमने माइनस कर दिए थे. ठीक है, तो ए सेट में जो रह जाते हैं यानी ए सेट में जो एलिमेंट्स रिमेनिंग रह जाएंगे वो आपने लिखने हैं. ठीक है, तो ये आपका जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 था. ठीक है, तो इसी तरह से आपने बाकी जो आपके पास इसके हैं एलिमेंट्स है वो आपने, यानी आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसका सॉल्यूशन कर जाएं, देखें बी कॉम्प्लीमेंट ये आपका 14 बी का क्वेश्चन नंबर 1 है. आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, ये एलिमेंट्स रह जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे आपके पास डी कॉम्प्लीमेंट, वो आपके पास ही है, सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ही आ जाए. यानी सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है और बाकी सेट्स में से बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको उस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है. व्हाट इट, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. अगेन वेरी सिंपल, इफ E यानी यूनिवर्सल सेट जो है 30, 31, 32, 33 यानी 30 से आगे जितने भी नंबर्स हैं, 30 से लेकर 45 तक सारे कंटिन्यूअस नंबर चलते जा रहे हैं. ठीक है, लिस्ट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. आपने क्या करना है, ये नंबर्स जो है वो उसमें से ए जो सेट है, बी सेट आपको गिवन है, सी सेट है, डी सेट है, ई सेट है, आपने ये तमाम सेट्स को यूनिवर्सल सेट में से माइनस, देखो मैंने कहा कि लिस्ट द कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट एंड ई कॉम्प्लीमेंट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. यानी आपने यूनिवर्सल में से ए को भी माइनस करवाना है, वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. यूनिवर्सल में से बी को माइनस करवाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. यूनिवर्सल में से सी को माइनस करवाएंगे, इट विल बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन आपके पास ये चलता है. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन चले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो हम समझने के लिए कि आप किस तरह से ये पार्ट जो है वो हम करेंगे. ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. ओके, दे हैव सेड कि यूनिवर्सल सेट जो है वो 31 से लेकर 45 तक है, 30 से लेकर 45 तक है. यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, ठीक है, हम कोशिश करते हैं चलिए सारा सेट ही लिख लेते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है, फिर क्या आएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45. ठीक है, ये आपका ये हो गया. ठीक है, उसके बाद जो ए सेट गिवन है आपको,
ए सेट आपको गिवन है, थर्टी थ्री, थर्टी सेवन, ठीक है, थर्टी नाइन, फोर्टी टू एंड फोर्टी फोर, ठीक है, ये आपके पास दो सेट्स मैंने कंप्लीट लिखे। अब दे हैव सेड यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि आपने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये कि ई में से आपने ए को माइनस कर देना है। ई में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। पिछली स्लाइड पे चलते हैं, आप देखें इस ई में से जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो हम माइनस करते हैं। चले माइनस करते हैं, मिलके माइनस करते हैं। ये देखें 33 था, 33 को हमने माइनस कर, ठीक है, क्रॉस कर, फिर 37 को क्रॉस कर देते हैं, फिर 39 को क्रॉस कर देते हैं, फिर क्या करेंगे 42 को क्रॉस कर देते हैं और 44 को क्रॉस कर देते हैं। यानी आपके पास ए के जितने भी एलिमेंट्स थे ई में वो हमने सारे के सारे क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास क्या रह गए, नजर आ रहे हैं आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से रह गए, लुक एट दैट, 31, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43 and 45. अब हम ये सेट लिख लेते हैं। क्या हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 30, 31, 32, ठीक है, 32 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, 34 35 34 35 then 36 38 40 41 43 and 45. So these are the remaining elements, means this is the A complement जो हमने फाइंड आउट करना था, राइट? लुक एट द रिमेनिंग पार्ट्स, यू हैव टू फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपने हर किसी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी, इज आल्सो वेरी सिमिलर टू लाइक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 to 10। ए में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे यानी 2, 3, 5, 7, ठीक है। बी में इवन नंबर्स आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 और आपके पास सी में मल्टीपल्स ऑफ 5 जो कि सिर्फ 5 और 10 होगा, ठीक है, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर आपने ए प्राइम, अच्छा अभी ये मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है, थोड़ी सी ये मिस प्रिंटिंग हुई है, आपके पास ए और नीचे डैश लगी हुई है कि बेसिकली ए डैश ही है, कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद अगेन ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपके पास ये मिसप्रिंट हुआ है, तो बेसिकली आपने इसमें यही करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। आपने ये तीनों चीजें इसमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी थी, गॉट इट? तो इसमें आपने यही चीजें जो है वो करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस लेक्चर, वी हैव डन एक्सरसाइज 14B, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। Okay, thank you so much, friends. Have a blessed day. Have a very nice day. Stay happy. Allah Hafiz to all of you. Fi aman Allah.